नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो भाई, ये सीन या सिचुएशन बहुत ही ज्यादा बुरा होता है जब आप कोई भी बिल्कुल ब्रांड न्यू कार शोरूम से लेकर आए हो या फिर रास्ते में ही हो, घर तक भी ना पहुंचे हो और अचानक से उसमें कोई फॉल्ट आ जाए जिससे गाड़ी को बीच रोड पर ही खड़ी करनी पड़े। कई बार ऐसी चीजों को आप सभी ने सुना होगा और देखा भी होगा। आज भी ऐसा ही एक इंसिडेंट सामने आ रहा है जिसे रिसेंटली महिंद्रा स्कॉर्पियो एन की ओनर ने ट्विटर पर शेयर किया है। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, स्कॉर्पियो एन की डिलीवरी एक दो दिन पहले से ही स्टार्ट हो गई है और जिसने भी इसको सबसे पहले बुक कर लिया था उनको गाड़ियां मिलनी शुरू हो गई हैं और उन्हीं में से ये ओनर भी शामिल हैं जिन्हें 26 को ही अपने स्कॉर्पियो की डिलीवरी मिली है। अब यहां पर हुआ यह कि गाड़ी लेने के एक दिन बाद इनके स्कॉर्पियो का क्लच और गियर काम करना बंद कर दिया। आप देख सकते हैं ये किसी मेन रोड के किनारे खड़ी है और ओनर क्लच को प्रेस कर रहे हैं लेकिन वो काम नहीं कर रहा, प्रेस करने पर बिल्कुल ही अंदर चला जा रहा है और ऐसे सिचुएशन में गाड़ी चल भी नहीं सकती है। अब यहाँ पर एग्जैक्टली क्या फॉल्ट है वो तो नहीं पता, लेकिन फिर भी क्लच सिलेंडर से रिलेटेड इशू लग रहा है। जो भी हो, महिंद्रा को इसे थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए और ओनर को प्रॉपर हर तरीके से रिस्पॉन्स देना चाहिए। इन्होंने 2-3 बार अलग अलग टाइम पर ट्वीट वगैरह भी कर रखा है लेकिन अभी तक उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। उम्मीद है जल्द ही इनके चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि भाई स्कॉर्पियो एन एक पॉपुलर और कहीं ना कहीं लोगों की सबसे पसंदीदा एसयूवी है, लेकिन पहले ही दिन से इसमें ऐसी प्रॉब्लम आना या प्रॉब्लम आने के बाद कायदे से कंपनी का इस पर ध्यान ना देना कहीं ना कहीं इसके इमेज को खराब कर सकता है।